स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आपको हिंदी सेकंड पढ़ाऊंगी और हिंदी सेकंड में आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। क्या पढ़ेंगे? पत्र लेखन। आपके एग्जाम में पत्र आते हैं, तो बच्चों पत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को हम निजी पत्र या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। पहले मैं पत्र के बारे में बताऊंगी कि पत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बच्चों, आज के युग में मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट के कारण पत्रों का महत्व कम होता जा रहा है, लेकिन पत्र का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। अगर हम किसी सरकारी डिपार्टमेंट में हम अपनी समस्या को लेकर जाएंगे तो उसके लिए हमें पत्र लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हमें कोई चीज़ मंगवानी है कहीं से, या हमें अपने परिवार में किसी उत्सव का आयोजन करना है, तो हम अपने मित्रजनों को पत्र लिखकर आमंत्रित करेंगे। पत्र का बहुत महत्व है। देखो बच्चों, अगर SMS से हम कोई मैसेज करते हैं तो मैसेज तो डिलीट हो जाता है, लेकिन पत्र में जो भाषा हम लिखते हैं, हमारे मन के जो भाव हम लिखते हैं, वो हमेशा लिखे हुए रहते हैं, वो मिटते नहीं हैं। सपोज करो, आपने अपने फ्रेंड को, दोस्त को पत्र लिखा और उसके अंदर आपने उसको अच्छे शब्दों से संबोधन करा या अपने दिल की बात कही है, तो जो पत्र है उसके पास हमेशा रहेगा। क्योंकि जो SMS में, मोबाइल पे जो SMS करते हैं वो तो मिट जाता है, लेकिन पत्र का जो है वो नहीं मिटता। पत्र जो है हमेशा हमारे पास रहता है। मुझे पत्र का, जब मैं आपको पत्र के महत्व के बारे में पढ़ा रही, तो मुझे एक बात याद आ रही। एक दिन मैं सोनू सूद का इंटरव्यू पढ़ रही थी, तो उसने अपनी मदर के बारे में बताया कि मेरी माँ प्रतिदिन पत्र लिखती थी और उन पत्रों में मुझे जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती थी। तो सोनू सूद कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आप मोबाइल पे मुझे बता दिया करो आप पत्र क्यों लिखती हो। तो उसकी माँ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था और वो मेरे दिल को छू गया। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अगर मैं मोबाइल पे मैसेज करती हूँ या मोबाइल पे बात करती हूँ वो तो हट जाती है, लेकिन जो मैं पत्र के माध्यम से तुमसे संवाद कर रही हूँ वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। इस दुनिया में मैं रहूँ या न रहूँ, लेकिन मेरे लिखे हुए जो पत्र है तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन। आज सोनू सूद की मदर जो है, नहीं है, एक्सपायर हो गई है वो, लेकिन सोनू सूद ने कहा कि जब भी मुझे अपनी माँ की याद आती है या जीवन में कभी भी मैं जब उलझन में होता हूँ तो मेरी माँ के लिखे हुए पत्रों को मैं पढ़ लेता हूँ और उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको अनौपचारिक पत्र के बारे में बताऊंगी। अनौपचारिक पत्र होते क्या है? सबसे पहले देखिए आप, अनौपचारिक पत्र, इसको हमने क्या बोला, व्यक्तिगत पत्र या निजी पत्र भी कहते हैं। अब देखो, ये पत्र व्यवहार उनके साथ होता है जिनसे हमारा क्या होता है, व्यक्तिगत संबंध होता है। इसे व्यक्तिगत समाचार पत्राचार भी कहा जाता है, इसे व्यक्तिगत पत्राचार भी कहा जाता है। इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा होता है। ये पत्र अपने परिवार के निकट संबंधियों, मित्रों को लिखे जाते हैं। जैसे निकट संबंधी, जैसे आप अपने पापा को लिख सकते हो, अपने माँ को लिख सकते हो, अपने दोस्त को लिख सकते हो, जो हमारे निकट संबंधी है उनको लिखे जाते हैं। अब अनौपचारिक पत्रों का जो प्रारूप किस प्रकार से, अब अनौपचारिक पत्र में जैसे मान लो आपको पिताजी से पैसे मंगवाने, आप जयपुर में पढ़ाई कर रहे हो और आपको पैसे मंगवाने हैं, तो पिताजी को पत्र लिखोगे तो ये कौन सा हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र। आप जन्मदिन की पार्टी कर रहे हो, अपने मित्रों को आमंत्रित करना है तो पत्र लिखोगे, ये भी अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। तो बच्चों, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पत्र का जो प्रारूप है, किस प्रकार से हमें औपचारिक पत्र लिखने चाहिए, वो मैं आपको समझा रही हूँ। देखो, सबसे पहले बच्चों, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। सबसे पहले हम जो है, एक तो ये ध्यान रखना चाहिए इसका डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। आप क्या करते हो, ये एक लाइन छोड़ते फिर यहाँ से लिख लेते हो फिर यहाँ से, तो वो गलत हो जाता है। देखो, सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 25 विकास नगर। अब आप अगर मान लो जवाहर नगर में रहते हो तो जवाहर नगर लिख सकते हो। आप न्यू कॉलोनी में रहते हो तो न्यू कॉलोनी। जो पत्र लिखने वाले का, सबसे पहले हम पता लिखेंगे। देखो, पहले मैंने लिखा 25 विकास नगर, फिर कहाँ, बूंदी राजस्थान। अगर मान लो आप जयपुर में रहते हो तो जयपुर राजस्थान में लिख सकते हो। और दिनांक, दिनांक में जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक इसमें आएगी। इसके बाद में लिखने वाले से संबंध, जैसे सपोज करो आप पिताजी को लिख रहे हो, तो पिताजी को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, पिताजी के लिए हम लिखेंगे श्रद्धेय पिताजी, आदरणीय पिताजी। अब ये करेंगे ना, अब अभिवादन, जब हमने पिताजी को पत्र लिखा है तो उनको अभिवादन भी करेंगे ना, साधन चरण स्पर्श करेंगे। और ये अभिवादन हो गया, पहले लिखने वाले से संबंध, जैसे पिता को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी, श्रद्धेय पिताजी, पूजनीय पिताजी, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। फिर हम अभिवादन,
अभिवादन में उनको क्या करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, सादर चरण स्पर्श लिख दिया पिताजी को लिख रहे हो तो। फिर अपन कुशलता के कुशल क्षेम ज्ञापन, भाई अपन क्या करेंगे, जो पत्र लिखते थे कितना आपका पत्र मिला पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई, आप कुशलता पूर्वक वहां से, तो कुशलता के लिए कुशल क्षेम ज्ञापन अपन ने लिख दिया। फिर अपन ये लिखने के बाद में अपन पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो उसका कारण भी तो बताएंगे ना, हम पत्र क्यों लिख रहे हैं। सपोज करो आपने पैसे मंगाने के लिए लिखा तो आप क्या लिखेंगे कि पिताजी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मुझे कुछ नई किताबें और खरीदनी है, इसलिए मुझे जो है 2000 रुपये की आवश्यकता है, अतः आप अति शीघ्र 2000 रुपये जो है भेजने का कष्ट करें। ठीक है, इतना लिखने के बाद में संबंध का उल्लेख। देखो बच्चों, आप अब जैसे मान लो मैंने लिखा आपका बेटा, अब बेटी लिख रही थी कि आपकी बेटी, संबंध का मतलब जो जिससे लिखने वाले से जो आपका संबंध है वो लिखेंगे और लास्ट में हम अपना नाम लिख देंगे। ये आपका बच्चों हो गया अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप बताया। तो बच्चों आप क्या करेंगे, कॉपी के अंदर एक पत्र लिखेंगे और वो पत्र आप लिखेंगे कॉपी के अंदर लिखेंगे पिताजी से पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे मंगवाने हेतु पत्र, पिताजी को पत्र लिखना है आपको पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको पैसों की आवश्यकता है, तो ये पत्र आप कॉपी के अंदर कर लेंगे क्योंकि आपका है 7th क्लास, तो ये जरूरी आपके जो मैं पत्र बता रही हूँ कहीं से भी आ सकता है। ये मैंने समझा दिया आपको कि पत्र कैसे लिखते हैं। ये तो हो गया अपना अनौपचारिक पत्र। अब आपका दूसरा जो टॉपिक आता है औपचारिक पत्र। बच्चों औपचारिक पत्र क्या होता है, बच्चों ओपन योर बुक, पत्र लेखन आपका 36 लेसन है, ये प्रारूप मैंने बता दिया, इसके अंदर भी आपको दे रखा है। अब हम जो है औपचारिक पत्र का प्रारूप हम पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों औपचारिक पत्र होते क्या है, ये पत्र व्यवहार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता, यदि होता भी है तो उनसे व्यक्तिगत लगाव आत्मीयता उतनी नहीं होती। जैसे मान लो पुस्तक विक्रेता उससे पुस्तकें मंगानी है अपन, तो पुस्तक विक्रेता हम जानते हैं लेकिन हमारा उससे क्या है आत्मिक संबंध नहीं है, अपन उसको जानते हैं। जैसे मान लो आपको कोटा भंडारी बुक डिपो से पुस्तकें मंगानी है तो आप उसका नाम जानते हो, उसके बारे में थोड़ा जानते हो, लेकिन आत्मिक संबंध तो नहीं है ना। जैसे अनौपचारिक पत्रों में क्या था, आत्मिक संबंध था। इससे पत्र लिखने का विषय अथवा प्रयोजन मुख्य होता है, इसका मेन है कि हमें पत्र क्यों लिख रहे हैं, हाँ ये विषय जो है मुख्य होता है इसमें। और इसमें पत्र किस प्रकार से, देखो इसमें आप प्रार्थना पत्र भी आ सकता है, नहीं जो जैसे मान लो आपको छुट्टी चाहिए प्रधानाध्यापिका जी से, आप बीमार हो गए या आप शादी में जा रहे हो तो आप प्रिंसिपल मैम को आप पत्र लिखोगे, प्रार्थना पत्र लिखोगे ना कि भाई मेरे बड़े भाई की शादी इसलिए मैं 4 दिन विद्यालय नहीं आऊँगा, अनुपस्थित रहूँगा, तो आप प्रिंसिपल मैम को प्रधानाध्यापिका जी को क्या लिखेंगे, प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो वो किस में आएगा, औपचारिक में आएगा बच्चों। व्यवसायिक पत्र व्यवसाय से रिलेटेड लिखेंगे, सरकारी पत्र सरकारी डिपार्टमेंट को लिखना है, कोई शिकायत है ना, या जैसे मान लो आपने डाक मंगवाई ठीक है और डाक आपने जो है आपकी डाक कहीं गुम हो गई है तो आप जो क्या लिखोगे, डाक विभाग में जाओगे ना, तो ये सरकारी पत्र। संपादक के नाम पत्र भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम जो है अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो सबसे पहले वही है, क्या लिखते हैं अपन, सेवा में या प्रतिष्ठा में लिखते हैं। फिर अगर मान लो अपन स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सेवा प्रतिष्ठा में प्रधानाध्यापिका जी, है ना। और फिर क्या लिखेंगे, मालवीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी राजस्थान, ऐसे लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं इसमें जो है विषय लिखते हैं, क्या लिखते हैं विषय। विषय में जैसे मान लो आपको 4 दिन का अवकाश चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, 4 दिन के अवकाश हेतु। इसके बाद में हम संबोधन करेंगे, संबोधन जैसे महोदया जी प्रिंसिपल को लिखते हैं महोदया जी, है ना, या अगर प्रिंसिपल मैम है तो महोदया जी और सर है तो क्या लिखेंगे महोदय। फिर अपन वही है कि निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ और अगर मैं जो है मुझे आवश्यक कार्य आ गया है इसलिए विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, अतः आप मुझे 4 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। या आपको इसमें आपको सेक्शन बदलाना है तो सेक्शन बदलाने, वर्ग बदलाने हैं तो भी लिख सकते हैं। और लास्ट में आप अपना धन्यवाद करेंगे लास्ट में। और फिर आप क्या लिखेंगे, बहुदीय या प्रार्थी, फिर अपना नाम लिख देंगे। तो बच्चों आपको एक तो क्या करना है, पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए पत्र लिखना है। दूसरा जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पत्र है बच्चों, आप क्या करेंगे अपनी कॉपी के अंदर एक जो है 2 नंबर का आपको 213 पेज निकालो, उसमें आपको
चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन। चरित्र प्रमाण पत्र जानते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट। सपोज करो आपका पिताजी का ट्रांसफर हो गया और आप जो है जयपुर पिताजी का ट्रांसफर हो गया, अब आपको जो है वहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा, तो टीसी के साथ साथ जो आपको वहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। तो आप जो है 2 नंबर वाला ये कॉपी के अंदर करेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन। जो 2 नंबर पे दे रखा है 213 पेज पे 2 नंबर वाला, इसको आप कॉपी में कर लेंगे। और एक तो ये करेंगे और एक ये भी कर लेंगे, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश प्राप्त करने के लिए आवेदन कीजिए। तो आपको आता ही है, छोटी क्लास से आप लिखते आ रहे हो, इसको करना। 2 तो ये करेंगे और 3 पत्र आपको करने हैं। एक तो पिताजी को लिखना है अनौपचारिक में, और 2 पत्र ये करने हैं 1 और 2 वाला पेज नंबर 213। बच्चों आज मैंने आपको पत्र करवा दिया।